हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज की जो वैकेंसी है ये बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये पुंज लॉयड का नाम सुना ही होगा। पुंज लॉयड आज के टाइम में थोड़ा डाउन हो गया है आफ्टर 2012-13 के बाद, बट उससे पहले इसका बहुत बड़ा नाम था। ये दोस्तों जब भी करता है दो चीज़ें करता है, ये तो कैंपस हायरिंग करता है बिल्कुल फ्रेशर्स को लेता है, या फिर डायरेक्टली रिक्रूट करता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गाइस। इसीलिए ये वैकेंसी हमेशा बहुत ही अच्छा लाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये नोटिफिकेशन है फेक अलर्ट और पब्लिक नोटिस दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें थोड़ा लेंथ करके बोलूँगा यार, आप जो है ना आपके पास अगर फेक कॉल्स आया करें ना यार, आप मैं ये मान लीजिए चाहे आपके पास मेल आए चाहे आपके पास फ़ोन आए, जो भी आपसे जॉब के अगेंस्ट में चाहे वो आपको ऑफर लेटर तक दे दे किसी भी कंपनी का, तो क्योंकि देखिए अगर आप पे ढंग से एक्सेल आता है या वर्ड चलाना आता है तो आप किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर खुद बना सकते हैं, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी बंदे को एंटरटेन नहीं करना है रिगार्डिंग मनी। अगर जो जिसे आप पैसा देंगे, याद रखिए मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, वो आपको जॉब कभी नहीं देगा। इसीलिए ये बात बिल्कुल भूल जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें वहाँ 100 रुपये सबमिट करने। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फीस लेती है अगेंस्ट एग्ज़ाम कराने के। इसीलिए कोई आपसे पैसा ले रहा है कोई प्राइवेट में कि मैं तेरी टाटा में लगवा दूँ, मैं L&T में लगवा दूँ, तो उससे कुछ नहीं बोलना, उससे ये बोलना आप सही बोल रहे हो, आप जो है मेरी जॉब लगवा दो, एक महीने की सैलरी जब मेरी आ जाएगी उसकी पूरी की पूरी सैलरी आप ले लेना, मैं टच भी नहीं करूँगा। तो जब आप ये बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार बहुत समझदार आदमी है, वो खुद फ़ोन काट देगा। इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर देना यहाँ। तो दोस्तों आप जैसे ही इसको कट करेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे, ये कैसे कैसे इसमें रिक्रूटमेंट इवेंट्स जो होते हैं, मतलब जो इवेंट्स होते रहते हैं हायर करने के कॉरपोरेट सिटीजन सब, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में हमें जाना है। जैसे ही हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे तो हमें जो है कुछ वैकेंसीज ओपन होके आ जाएंगी। आपको दिख रहा होगा ये किस किस फील्ड में वर्क करता है, ऑयल एंड गैस में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग में, बायोफ्यूल में, पेट्रोकेमिकल में, पावर में, टेलीकॉम में, डिफेंस में, एविएशन में, मैरीन में, ये हर एक सेक्टर में वर्क करता है। तो आपको पता है जब इतने सारे सेक्टर्स में ये वर्क करता है और इंडिया के साथ साथ ये 23 कंट्रीज में वर्क करता है, तो यहाँ जॉब लगना कोई टफ नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए जो एक्सपीरियंस गाय हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनके पास एक साल का दो मतलब जिनके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो यहाँ एलिजिबल हैं। बट जो ये कैंपस हायर है एप्लीकेशन है ये इसमें फाइनल ईयर और बीटेक ऑब्लिक डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। फाइनल ईयर और फ्रेशर्स दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। आप 2019 के बाद के पास आउट वाले सब ये कैंपस 2019 के बाद 2021-2022 वाले सब कैंपस हायर एप्लीकेशन में अप्लाई करें। तो जैसे ही आप इसमें कैंपस हायर एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके की सीट ओपन होकर आ जाएगी। जैसे ही आएगा आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, सिविल इंस्ट्रक्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी सर्वेइंग, प्रोसेस सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वर्कप्लेस। और दोस्तों ये इन ब्रांचेस से आप अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने साफ साफ लिखा है ये ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही एलिजिबल है। देखिए रिसेंट ग्रेजुएट्स और अबाउट टू ग्रेजुएट, मतलब रिसेंट ग्रेजुएट जो अभी 2019 के बाद पास आउट वाले हैं और अबाउट टू ग्रेजुएट जो 2022 इसमें पास आउट होने वाले हैं, और डिप्लोमा का लिख ही दिया है इन्होंने फायर एंड सेफ्टी में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो इन ब्रांचेस के अलावा अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, जब आप यहां साइड में आपको ये दिख जाएगा प्लीज सबमिट योर रिज्यूम हियर, तो यहां क्लिक करेंगे तो एक डाटा ओपन होकर आ जाएगा। बट क्या होता है समटाइम्स जब आपका साइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो ये ओपन नहीं होगा,
तो आप इसको एक दो घंटे बाद वैसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या कर लेना है, ये ईमेल आईडी कॉपी कर लेनी है info@punjloy.com। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से कवर लेटर के साथ इसको कॉपी पेस्ट, और वहाँ आप चाहे तो अपना कवर लेटर भी लगा सकते हैं, बट आपको ये info@punjloy.com पे ही मेल करना है। इसके साथ साथ आपको एक मेल और करना है, वो कहाँ करना है, वो करना है आपको hr@punjloy.com, मतलब जो इन्फो लिखा है आगे, ये जो इन्फो लिखा है इन्फो के साथ साथ ये punjloy, ये इन्फो हटा दीजिएगा, यहाँ HR लिख दीजिएगा और @punjloy@punjloy लिख के इसको मेल कर दीजिएगा, तो दो मेल आईडी होगी, दोनों को कॉपी कर ले। दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है। मैंने जैसे कि आपको बताया अपने बारे में करेक्टर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब टेलीग्राम चैनल पे आएंगे आपको सारे अपडेट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जो है यहां सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑलरेडी यहां आप जैसे भाइयों 32,000 सब्सक्राइबर हैं, आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे और 35 हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों आपको क्या करना है ना, सबसे ऊपर पिन मैसेज दिया हुआ है कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर। आपको क्या कर लेना है, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जो जो आपकी काम की बातें, प्लीज़ फाइंड इट एज द CV ऑफ सेल्फ, आई हैड डन माई परसुइंग एंड ये अपने हिसाब से, आपने डिप्लोमा किया है, आपने BTech किया, और ज़रूरी नहीं है कि यही लगाएं। अगर आपके पास अपने बारे में बताने के लिए दूसरी लाइनें हैं तो आप वो अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। आपको कॉपी कैसे करना है, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको अटैच कर दीजिएगा जहाँ मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ मेल सेक्शन में आ जाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे आप मेल सेक्शन में आएंगे, आपको जो सब्जेक्ट की लाइन है वो यहाँ कॉपी कर लेनी है सब्जेक्ट वाले कॉलम में, और टू में जो मैं आपको मेल आईडी बताई थी फर्स्ट वाले में, उसे यहाँ कॉपी करके और डायरेक्टली आप जो है ये वाले ईमेल आईडी पे अपना कोई भी CV और जो भी अपडेट CV आपने ये कवर लेटर के साथ, इसको मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा। इसको मॉडिफाई का मतलब ये है कि अपने हिसाब से जो आपने कर रखा है या करेंगे उसके हिसाब से यहाँ आप इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद आप इसको सेंड कर दीजिए। कोशिश है 100% उनका रिप्लाई आने की चांसेस है, बट वैकेंसी आपको पता ही है लिमिटेड है, तो इसमें से कम देखिए मेरा एक ही क्राइटेरिया होता है, एक अपडेट में से अगर 4 बंदों की भी जॉब लग जाए तो आई फील ब्लेस्ड। तो अगर ये जो है कंटिन्यूएशन ऑलवेज चलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऑलवेज जॉब लाता रहूँगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें इस चैनल के बारे में, क्योंकि देखिए आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शेयर करना है, शेयर करेंगे तो ऑलरेडी किसी ना किसी के पास तक और किसी ना किसी का भला जरूर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।